हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैंने ये वाला बन आपको बताया था जो कि बहुत ही आसानी से आप बना लोगे। मेरे पहले वाली वीडियो में ये मैंने शेयर किया हुआ है। आप देख सकते हो तो कितना प्यारा सा लुक आया हुआ है इसका। तो आपने कैसे बनाया है आप जाके वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। और अभी मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को एक ब्राइडल बन हेयर स्टाइल। ये भी बन आपके ऊपर काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी सिल्क बन का लुक देता है और काफ़ी स्टाइलिश लगता है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो चलिए बताते हैं न्यू बन हेयर स्टाइल। तो उसके लिए पहले मैं इनके बालों को ओपन कर लूँ, उसके बाद से आपके साथ शेयर करती हूँ इनका सेकेंड लुक। तो यहाँ पे मैंने डमी के हेयर को ओपन कर लिया है। देन पहले हम लोग फ्रंट से हेयर स्टाइल करेंगे, तो जिसके लिए टीका ऐड करके छोड़ देते हैं। देन इस तरीके की पूंछ वाली कंघी लेंगे और इससे बालों को ईयर टू ईयर पार्टिंग देंगे। आप चाहो तो टीके को पहले रिमूव भी कर सकते हो और अच्छे से बालों को सुलझा लीजिए। तो यहाँ से इस तरीके से मैं ईयर टू ईयर पार्टिंग कर ले रही हूँ बालों की। तो इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेंगे बालों की। तो ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लिया, आप चाहो तो टीका पहले ही ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे टीका लगा दे रही हूँ और इसको एक क्लिप से सिक्योर कर लेंगे। छोटी वाली जो पतली वाली क्लिप्स आती है उनसे आप इसको सिक्योर कर लो, या फिर टीके में धागा बांध के भी आप सिक्योर कर सकते हो। जैसे आप कंफर्टेबल हो उस तरीके से आप टीके को सेट कर लीजिए। ओके, तो मैं यहाँ पे टीके को सेट कर दे रही हूँ। ओके, अभी क्या करेंगे, यहाँ साइड से थोड़ा सा हेयर लेंगे इनका। आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा गाइस। और ये हेयर लेके बैक कॉम्बिंग करेंगे जिससे कि हमारे हेयर को एक अच्छा सा पफ मिल जाए, वॉल्यूम मिल जाए अपने क्राउन एरिया पे। बैक कॉम्बिंग करने से इंस्टेंट वॉल्यूम आ जाता है आपके पफ में और जिससे आपका पफ इजीली बन जाता है। और आप चाहो तो बैक कॉम्बिंग को स्किप भी कर सकते हो और नॉर्मल सा पफ बना सकते हो अपने बालों में। तो इस तरीके से मैंने इस तरीके से बैक कॉम्बिंग की। देन अच्छे से इसको क्लीन करके थोड़ा सा फ्रंट का जो हेयर है वो ले लेंगे अपने पफ को अच्छे से बनाने के लिए। और हेयर को अच्छे से पकड़ेंगे, कॉम करेंगे, जो आपने क्लिप लगाई है उसको अच्छे से हाइड कर देंगे और सिंपली इसको यहाँ से ऊपर की तरफ पुल करेंगे। आप चाहो तो हल्का सा ट्विस्ट करके भी इसको ऊपर की तरफ पुल कर सकते हो जिससे कि आपके आपका पफ जो है वो इजीली बन जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिप लगा दीजिए, क्लिप से पफ को अच्छे से सेट कर देंगे। तो पफ को हमने बना लिया है एंड साइड के हेयर को अच्छे से कॉम करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे साइड मांग भी निकाल सकते हो और चाहो तो मिडिल पार्टीशन भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे मिडिल पार्टीशन से ही हेयर स्टाइल को कंप्लीट करूँगी। तो पहले इस तरीके से कॉम करेंगे ऊपर की तरफ से। ओके, ऊपर की तरफ से कॉम करके सिंपली इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे। हल्का सा लूजिंग ऐड करेंगे इसमें अपने। पहले आप इतने हेयर ले लीजिए और इसको अच्छे से खींच के नीचे की तरफ ले आइए अच्छे से कॉम करके। बिल्कुल भी यहाँ पे वीडियो को स्किप नहीं कर देंगे ताकि आपको अच्छे से पता चले। पहले मैं इसका एंड पार्ट जो है उसको सुलझा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुलझा लिया है एंड इसको अच्छे से ले रहे हैं और ऐसे आप इसको कॉम करोगे। कॉम करके जब ले जाएंगे तो यहाँ से, जैसे यहाँ से आपका इस तरीके का लुक आना चाहिए और साइड से आपको इस तरीके से नीचे की तरफ इसको लटका देना है। बहुत प्यारा सा आपका ब्राइडल सा ब्राइडल का लुक आएगा इस तरीके से आप बनाते हो। तो आई थिंक आपको क्लियर दिख रहा हो। अब इसको आपको बैक में लाके जहाँ पे आपने क्लिप्स ऐड किए थे वहीं पे इसको सिक्योर कर देना है। अगेन आपको इस साइड से हेयर लेने हैं इसी तरीके से सेट करते हुए बैक साइड में लाके और क्लिप से सिक्योर कर देंगे। बहुत प्यारा सा आप वेडिंग पार्टी में ये बन बना सकते हो। और सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी बना लेना है। देखिए कितना प्यारा सा लुक आ रहा है यहाँ पे, एंड फ्रंट से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड साइड से भी आप देख सकते हो। अब सेम इसी तरीके से आपको दूसरी साइड बनाना है, तो दूसरी साइड भी मैं ऐसे ही बना लेती हूँ।
हाँ फिर को लेना है, अच्छे से काम कर लेंगे। हाँ तो इस तरीके से पूरा बैक दोनों साइड का कंप्लीट कर लिया है हमने हेयर स्टाइल। इधर का थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसको हम लोग इस तरीके से खींच लेंगे। अब आपको सारे बालों को पकड़ना है, देन एक रबर बैंड लगा देना है। ओके, पोनी बनाने के बाद से ऊपर में डोनेट बन आपको सिक्योर कर देना है। अब आपको हेयर स्टाइल बनाना है। हेयर स्टाइल बनाने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली बालों को हाफ लेयर लेना है, उसको अच्छे से कॉम करना है। बहुत इजी तरीके से आप बहुत खूबसूरत सा बन बना लोगे यहाँ पे। तो अच्छे से कॉम करके सिंपल सी चोटी बना लेनी है। पूरा एंड तक गूंथेंगे चोटी को। चोटी गूंथने के बाद से एंड पार्ट पे एक रबड़ बैंड लगा देंगे। अब चोटी को हल्का हल्का सा लूज करेंगे और दूसरी साइड से लेके जाएंगे, देन डोनेट बन के ऊपर से इस तरीके से लेके आएंगे और यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। अब सेम इसी तरीके से बीच के थोड़े से हेयर छोड़ेंगे और बाकी हेयर में सिंपल सी चोटी बना देंगे। अगेन इसमें एक रबड़ बैंड लगा देंगे। यूपिन को इस साइड में भी लगाएंगे ताकि जो हमारा डोनेट बन है वो अच्छे से सिक्योर रहे और निकले नहीं बाद में। अब इसको दूसरी साइड से लेके जाएंगे, चोटी को थोड़ी सी लूज कर लेंगे। लूज करके दूसरी साइड से चोटी को लेके जाएंगे, देन यूपिन से सिक्योर कर देंगे। अब जो सेंटर के हेयर बचे हैं उनको क्या करना है, जो आपका डोनेट बन दिख रहा है उसको अच्छे से हाइड करना है। कॉम करेंगे अच्छे से इस तरीके से फिंगर के साथ और यू पिन से इसको भी सिक्योर कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो डोनेट बन है वो अच्छे से हाइड हो जाए। और ये मतलब ब्राइड का बन का फाइनल लुक अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे नीचे से हमारा जो बन है वो थोड़ा सा अनमैनेज लग रहा है, तो उसके लिए आप एक यू पिन लेके नीचे में इस तरीके से सिंपली लगा दोगे। और ये देखिए कितना प्यारा सा, वाव, ब्यूटीफुल सा बन बन के यहाँ पे रेडी हो गया है, जो कि आप वेडिंग में पार्टी में ट्राई कर सकते हो। अब इसको आप चाहो तो गजरे के साथ, जिस जैसे भी चाहो वैसे आप इसको सजा सकते हो। तो ये है ब्राइडल का फाइनल लुक, ब्राइडल बन का। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़